तक जब अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे थे कि इम्यून स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन, जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हालांकि मेरा कुछ कहना इसके बारे में, इसकी व्याख्या देना मतलब कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं, सभी विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, तो कि व्याधि क्षमत्व जो है उसको, उसके दो जो है वो दो क्या कहते हैं उसको, दो बातें हैं उसमें, उसको हम कह सकते हैं कि एक तो व्याधि बल विरोधित्वम और व्याधि उत्पाद प्रतिबद्धकत्वम। तो व्याधि का बल का विरोध करना, ये हमारे शरीर का जो व्याधि क्षमत्व है, और जब अगर व्याधि हो गई तो जो है उसका प्रतिबाध करना, तो ये दो चीजों को जो है हम व्याधि क्षमत्व, आयुर्वेद के मतानुसार जब हम बात करते हैं तो ये इसे इस तरह से समझते हैं। और ये हम जानते हैं कि आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको जो है विशेष रूप से इसका वर्णन किया है कि जो भी हमारी शरीर की व्याधि क्षमत्व होती है वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है, जिसमें कि जो देश है, ऋतु है, काल है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अभी जो बात करें, जो हम प्रैक्टिकली जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं या जिसपे हम कुछ कर सकते हैं, वो है हमारा आहार और विहार। तो ये दो चीजें हैं जिस जो हमारे वश में है, जिसको कि हम जो है वो हम उसपे कुछ भी अपना जो हम जो भी अपना उपाय कर सकते हैं वो हम आहार और विहार के परिप्रेक्ष्य में ही हम कर सकते हैं, जिससे कि हम व्याधि क्षमता को बढ़ा सकें। अभी सर ने, पीपी व्यास सर ने चर्चा की कि बच्चों की इम्यूनिटी एज सच अच्छी होती है, ये माना जाता है कि बच्चों में जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, और अच्छा इसलिए है कि उनको जो है वैक्सीन्स लगती हैं बचपन में ही, फर्स्ट 1 ईयर में ही उनको काफी वैक्सीन्स लग चुकी होती हैं, उस कारण से उनका इनेट इम्यून रिस्पॉन्स और उनमें रेकरेंट जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उस कारण से उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि कोविड में जो कोविड इन्फेक्शन है वो बच्चों में पहली जो फर्स्ट वेव थी उसमें जो है वो कम देखने को मिली, और वो इसलिए इस कारण से कि बहुत जल्दी ही स्कूल और क्रेच और सभी जो पब्लिक एरिया है वो सारे, जो बच्चों का प्ले है वो सब बंद हो गया था, और उसको बच्चों को होम क्वारंटाइन कर दिया, घर में रखा गया, उनको लॉकडाउन पीरियड हो गया। फिर दूसरा कारण ये होता है कि जो ACE2 एंजाइम जो है, अभी स्टडीज मिलती हैं कि वो एज के साथ कम होती हैं और बच्चों में ज्यादा होती हैं, तो वो जो है लंग को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा कारण ये है कि लंग्स में, जो बच्चों के लंग्स में रीजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इन सब कारणों से, और एक चौथा कारण ये होता है कि बच्चों में जो कोमॉर्बिडिटीज हैं वो कम पाई जाती हैं, मतलब कम मिलती हैं, जैसे बड़ों में डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, लेकिन बच्चों में ऐसी कोमॉर्बिडिटी की कोई कंडीशन नहीं मिलती है। तो इसलिए माना जाता है कि बच्चों में जो है वो कोविड का इन्फेक्शन जो है वो फर्स्ट वेव में तो कम मिली, सेकेंड वेव में धीरे धीरे हमने देखा कि थोड़ा सा जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम भी थोड़े से जो है वो लापरवाह हुए, और दूसरा थोड़ा ये भी हुआ कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन बड़ों के लिए तो आ गई, लेकिन अब ये आशंकाएं हैं कि तीसरी वेव में जो है वो बच्चे कम मतलब ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चों पे ही असर होगा या बच्चे जो है वो टारगेट है। इसका एक कारण यही है कि वैक्सीन अभी तक बच्चों के लिए नहीं आई है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें सावधान होना आवश्यक है, वो भी हम अभी ये नहीं कह सकते कि बच्चे कितने प्रभावित होंगे, और इसलिए समझदारी यही है कि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है कि हम पहले से तैयार हो लें कि अगर बच्चे प्रभावित होते हैं तो उससे बचने की क्या क्या उपाय हैं। और मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगी कि जब अभी हमने बात की कि व्याधि क्षमत्व जो है वो बहुत सी बातों पे निर्भर करता है, हमारा आहार है, हमारा विहार है, देश है, काल है, हमारा जो जेनेटिक डिस्पोजिशन है कि मैंने जेनेटिकली क्या होता है कि पेरेंट्स जो है उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम है या इम्यूनिटी उनकी कम है तो उनके बच्चों में भी और कम होती है। तो मैं अगर बस सिर्फ यहाँ से आहार से लेने की बात करूँ तो आहार से स्टार्ट करती हूँ कि जो बच्चों को है, पहले तो आहार से पहले ये कहूंगी कि हमें बच्चों को कोविड से बचाव के परिप्रेक्ष्य में कि बच्चों को हमेशा जो है वो थोड़ा सुखोष्ण जल ही पीने के लिए देना है, थोड़ा गर्म पानी ही देना है या गुनगुना पानी बच्चों को हर समय पिलाना है, जिससे क्या होगा कि जो दोषों का पाचन हो सकता है, बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, उनका टाइम टेबल नहीं होता खाने का, तो इस कारण से, और इन्फेक्शन जो है वो कफ नहीं बनने देता, तो गर्म पानी ही पिलाना चाहिए पहले तो पीने के लिए। दूसरा आहार की बात अगर हम कहें तो बच्चों को आहार जो है वो लघु और सुपाच्य, मतलब घर में ताजा आहार दें, हम घर के जो अपने
ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल फूड है वही हम दें, और ये आहार जो है अगर पचेगा सही से तो फिर बच्चे जो हैं वो उनका जो जो उनका बल बढ़ेगा, उनकी धातुएं पुष्ट होंगी, और पुष्ट होंगी तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ा जो खतरा है आज की बात में, आज के समय में, कि हम लोग जो है विरुद्ध आहार का सेवन बहुत कराते हैं बच्चे को, जैसे कि मैंगो शेक। आज की डेट में मैंगो शेक सभी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं, जो कि एक विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार है, ये क्या करेगा, ये एक विष का काम करता है बच्चों में और उनकी धातुओं को नहीं बनने देता है। तो इस चीज से हमें बचना है कि जैसे इसकी जानकारी होनी चाहिए कि विरुद्ध आहार है क्या और हमें किस आहार के साथ कौन सा आहार नहीं लेना है। जैसे फलों को जो है वो दूध में नहीं लेना चाहिए, नमक और दूध का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। जो ये हमारी माल प्रैक्टिस शुरू हो गई है, इस चीज से हमें बचना है। और इस चीज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेरेंट्स को पहले समझना होगा। बच्चे को तो हम जो देंगे वो बच्चे वही लेंगे, लेकिन हम पेरेंट्स को अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास हम यही देखते हैं कि मैंगो शेक बहुत बहुत चल रहा है, डेली शाम को मैंगो शेक पीना है, बच्चे भी पियेंगे और पेरेंट्स भी पियेंगे। इसी तरह से मिल्क शेक्स बना के आइसक्रीम्स हम दे रहे हैं, फिर इसी तरह से जो है आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सब चीजों को रोकना बहुत आवश्यक है। इस पे हमें पेरेंट्स को हमें ध्यान देना होगा। फिर तीसरी बात, ये तो आहार से रिलेटेड बात हो गई। फिर अगर हम दिनचर्या की बात करें तो अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कोविड है, ये एक पैंडेमिक है, जिसको कि आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं जनपदोध्वंस। और जनपदोध्वंस का कारण क्या है कि जब वायु, देश, काल, जल जो है ये प्रदूषित हो गया। तो प्रदूषित हो गया मतलब हमारी प्रकृति जो है वो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक मूल मंत्र ये है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर ही रहना चाहिए और रहना होगा। इस बात को हम जिस दिन समझ लेंगे तब हमारी जो है मैक्सिमम समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रकृति के अनुसार हमारा जो शरीर है उसका साथ में जो है वो प्रकृति के अनुसार है। सुबह सूर्योदय होता है और रात में सूर्यास्त होता है, उसके जैसे जैसे सूर्योदय होता है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, उसके अनुसार ही हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या बताई गई है, रात्रिचर्या बताई गई है। जब हम अगर उस प्रकृति के अनुसार हम सुबह, आजकल देखते हैं लोग 9 बजे उठते हैं सो के, कभी किसी घर में 10 बजे सो के उठते हैं, रात में 2 बजे सोते हैं लोग, तो ये हम प्रकृति के साथ जो है साथ में नहीं बना के चल रहे हैं, तारतम्य नहीं बना के चल रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है हमारे शरीर के सभी एस्पेक्ट्स पे पड़ता है, और वैसा ही एस्पेक्ट हमारे व्याधि क्षमत्व पे ही पड़ता है। उसी तरह से उसका जो है उसका प्रभाव जो है वो हमारे व्याधि क्षमत्व पे ही पड़ता है। मिलजुल के कहीं ना कहीं जैसे हम आहार विहार का सेवन करेंगे उसका विपरीत प्रभाव या कुप्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो हमें प्रकृति के अनुसार ही मिलके और उसके अनुसार ही तारतम्य बना के हमें रहना सीखना होगा। और इसलिए जो है जैसे जो भी दिनचर्या बताई है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगे, तो हम पेरेंट्स, पहले तो हम पेरेंट्स ही नहीं जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो पेरेंट्स का अनुशासित होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, और उसके अनुसार ही हमारा जो भी दिनचर्या की बात अगर मैं कहूँ तो हर घर में एक टाइम टेबल रूटीन फिक्स होना चाहिए कि उसके अनुसार जो है हमारा जैसे प्ले टाइम हो गया, बच्चों के साथ की अगर हम बात करें तो प्ले टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए, एकेडमी स्टडी टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए, इंटरनेट यूज का टाइम फिक्स होना चाहिए, फिर उसी तरह से टीवी का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसी तरह से लंच का टाइम फिक्स होना चाहिए, डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए, स्लीपिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर हम 9 बजे सोते हैं तो नेचुरली हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम सुबह जो है 4 नहीं तो 5 बजे तो हम उठ ही सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात की हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन फिर हम उसको फॉलो नहीं करते, तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि जब हम टाइम टेबल बनाएं तो हम उसमें बच्चों को बिठा लें और उनसे ही पूछें, उनको इन्वॉल्व करें। जब हम रूटीन बनाते हैं उसी में हम बच्चों को इन्वॉल्व करें कि जो है आप बताओ कि किस टाइम क्या सूटेबल रहेगा। तो अगर जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे फिर उसको इंटरेस्ट से फॉलो भी करेंगे। तो इस तरह से हम अपने घर का रूटीन जो है वो दिनचर्या को मेंटेन कर सकते हैं। फिर बात रही आहार विहार की, बात में एक ऋतुचर्या भी आती है। ऋतुचर्या का विशद वर्णन हमारे आयुर्वेद में है और ऋतु के अनुसार ही हमें सभी जो भी खान पान और व्यवहार है उसका सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से 2-3 बातें हो गई
और एक और कहूंगी कि योगा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, बच्चों के लिए भी और किशोरावस्था के लिए भी, किशोरों के लिए तो अति आवश्यक है। और जैसे हम प्ले टाइम है या योगा टाइम है या एक्सरसाइज टाइम है, उसी में हम योगा को भी जोड़ें और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जो है वो हम बच्चों के साथ साथ में मिलके और उनके साथ जो है लाइट एक्सरसाइजेस जैसे कुछ भी हो, या फिर मंत्रोच्चारण, मेडिटेशन ना कर पाए बच्चे तो उनके साथ मंत्रोच्चारण करें, लाइट जो सूर्य नमस्कार है, 5 साल से ऊपर के बच्चे आराम से योगा कर लेते हैं और उनको हम प्रैक्टिस जो है वो कराएं, सिंपल ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, और या फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनमें हम सूर्य नमस्कार जो है उसकी प्रैक्टिस कराएं और उसका भी हम टाइम फिक्स करके रखें। फिर चौथी ये तो बात हो गई आहार विहार की, और थोड़ी सी औषध की बातें अगर मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं, सर ने सारी चीजें बता दी कि रसायन का सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ कि जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो न्यू जनरेशन है, एटलीस्ट उसका समझना बहुत आवश्यक है और उनको इस समय समझना चाहिए कि हम बच्चों को लेहन अगर हम प्रारंभ से ही करा रहे हैं तो जो कम से कम आयुर्वेद के हैं और जो आयुर्वेद पे अपनी निष्ठा आस्था रखते हैं वो लोग जो है वो लेहन के लिए जो वर्णित है योग, उसको लेहन जो है वो प्रारंभ से लेहन करा सकते हैं, जिससे कि उनकी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी, उनका बल जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, हर तरह से स्ट्रांग रहेंगे। इवन लेहन का तो ये इंडिकेशन है कि वो मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे और फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, तो उसका प्रयोग हम शुरू से ही करा सकते हैं बच्चों में। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे सर ने बताया कि चर्णप्राश है, जो बड़े बच्चे हैं, जब अब कुछ लोगों के बच्चे हैं अब तो लेहन वाली एज तो निकल गई, लेकिन हाँ हम उनको चर्णप्राश जो है उसका अच्छा रोल है, अमल की है उसका अच्छा रोल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अभी हर जगह स्वर्णप्राशन की चर्चा चल रही है और हम लोगों ने चिकित्सक और रिसर्चर होने के नाते हम लोगों ने इसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखे हैं स्वर्णप्राशन के, और संभव हो तो हमें अगर देश के बच्चों को बचाना है तो हम स्वर्णप्राशन कराएं अपने बच्चों को। भारत ऐसा देश है जहाँ पे आयुर्वेद जो है उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है और बहुत कुछ है हमारे देश में, हमारे जो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है आयुर्वेद है उसमें बहुत कुछ है जिससे कि हम अपने देश के भविष्य को बचा सकते हैं। स्वर्णप्राशन कराएं, बार बार इन्फेक्शन होने से उनका फ्यूचर जो है या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, तो स्वर्णप्राशन कराना चाहिए, च्यवनप्राश का सेवन कराना चाहिए, ताजा और फ्रेश आहार विहार टाइम टेबल का हम फॉलो, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करें। फिर सर एक बात कह रहे थे कि गोल्डन मिल्क की बात हम जो कह रहे थे कि हरिद्रा, एक दो औषधियों की बात करूंगी मैं कि हरिद्रा जो है उसका बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एक्शन है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि अभी बहुत थोड़े दिन पहले चर्चा चल रही थी कि बच्चों में जो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये पोस्ट कोविड जो है बहुत देखने में मिल रहा है, बहुत ज्यादा बच्चों में सबसे बड़ा खतरा तो यही लग रहा है और इसी से लोग ज्यादा चिंतित हैं, और जिसका कि कोई घर में इलाज भी नहीं है, उसको जो है हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा बच्चे को, और ये काफी बच्चों में देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए जब हम गोल्डन मिल्क देते हैं तो गोल्डन मिल्क बहुत अच्छा उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, और बाकी और भी रोल है, एंटी माइक्रोबियल भी है, बहुत सारे हरिद्रा के एंटी एलर्जिक रोल है, तो उसके लिए जो है हम बच्चों को अगर गोल्डन मिल्क देते हैं तो ये MIS होने से बचाव करता है कि आगे ये प्रोग्रेस हो ही ना, बच्चों को उस स्टेज तक लाने से पहले बचाव करता है। इसी तरह से अश्वगंधा का, हालांकि अश्वगंधा का थोड़ा सा टेस्ट जो है वो हर बच्चे टेस्ट उस चूर्ण के फॉर्म में नहीं ले सकते, लेकिन किसी और फॉर्म में, वटी के फॉर्म में और अवले जो है उस फॉर्म में हम बच्चों को दे सकते हैं। तो अश्वगंधा की बहुत अच्छी स्टडीज हुई हैं कि वो सार्स कोविड जो वायरस है उसको जो है मल्टीप्लाई ही नहीं होने देता, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से गिलोय की बात हो गई, हम चर्चा कर चुके हैं, तो गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, आमल की बच्चों में टेस्टी, बच्चों में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है कि उनको जो हम औषधियां देते हैं वो टेस्टी भी होनी चाहिए, मतलब उनको हृदय होनी चाहिए, उनको खाने में आसानी से ले सके और उनको जो है वो खाने में उसको उनको रुचिकर हो, तो इस तरह की औषधियां बच्चे जो है वो ले सकते हैं, तो उस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए च्यवनप्राश हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया, आंवले की कैंडी हो गई, और अगर औषध के रूप में अगर हम देना चाहते हैं तो सबसे जो इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है
बच्चों में वो है स्वर्ण प्राशन है, वो हम दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है बचाव करना ज्यादा आवश्यक है, और स्वर्ण प्राशन भी उसका भी बहुत अच्छे हम लोगों ने रिसर्चेस किए तो उसके जो है बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, और वो भी स्वर्ण प्राशन भी हम कराते हैं तो बच्चों को जो है आगे MIS, हालांकि स्टडी तो नहीं हुई MIS के प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए, लेकिन उसमें भी उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, प्रिवेंटिव प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जो है मैं अपना जो अपना अपने शब्द जो है वो उनको विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी का, जो सभी जुड़े रहे और अभी तक जो है वो लोग सब काफी इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, सभी का धन्यवाद। एक प्रश्न है, एक उसमें वो कहते हैं स्वर्ण प्राशन कैसे कराना, इस पे थोड़ा बता दें तो ठीक रहेगा। जी, अभी तक तो हम लोग जो है स्वर्ण प्राशन जो जो जितनी संस्थाएं हैं वहां से ही स्वर्ण प्राशन होती है, जैसे जोधपुर में भी पीपी व्यासर लोग करा रहे हैं और हर जगह ही लगभग करा रहे हैं। यहाँ पे जितने जो है जो विशेषज्ञ हैं बाल रोग के, तो उसको अभी हम लोग तो कुछ लोग जो है वो तत्काल, जैसे हम पुष्य नक्षत्र के दिन हम कराते हैं, जिनको की फ्री कराते हैं, उनको जो है वहां पे हम तत्काल एक दिन पहले बना के रखते हैं और उनको देते हैं। मार्केट में अभी नॉर्थ में बहुत कम मार्केट प्रिपरेशंस हैं हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन की, तो मार्केट प्रिपरेशन अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। और वैसे भी संस्थानों में तो हम देते ही हैं, हर संस्थान में देते हैं, तो उसको ड्रॉप्स के फॉर्म में, बच्चों में क्या है ड्रॉप्स में लेना थोड़ा इजी रहता है, और उसमें क्या है हम मात्रा भी निर्धारित कर पाते हैं कि इतनी मात्रा में हमें देना है। तो हम जो स्वर्ण प्राशन, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम जो स्वर्ण प्राशन देते हैं वो खाली पेट देते हैं, और इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन जो है वो हम देते हैं, बाकी इम्यूनिटी के लिए अगर हम प्रतिदिन लें तो वो भी अच्छी, अगर हम बच्चों को प्रतिदिन दें तो वो भी अच्छी बात है। और पुष्य नक्षत्र को तो हम लोग इसलिए देते हैं कि एक तो अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, उस दिन हम मास में देते हैं, अगर प्रतिदिन लें तो वो और अच्छी बात है, और उस दिन ले तो भी ठीक है, जो जिस तरह से ले सकते हैं वो अच्छी बात है। धन्यवाद। एक हैंड रेज किया है दीपक मिश्रा जी ने, जी पूछ सकते हैं। दीपक मिश्रा जी, नमस्कार सर। वो क्लिक हो गया था, मैंने हैंड रेज किया नहीं था। ठीक ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रुचि तिवारी, डॉक्टर रुचि तिवारी का भी हैंड रेज है। जी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रुचि तिवारी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज चौकाघाट वाराणसी में हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं निशा मैडम से एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रही थी जो स्वर्ण प्राशन के बारे में। तो स्वर्ण प्राशन काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने अपने यहाँ ये चलाया, हम लोगों ने भी किया, बट अभी जैसे नहीं भी चल पा रहा है। तो अब जो हमारे पेशेंट हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि मैडम इस कंपनी का स्वर्ण प्राशन मिल रहा है, हम ले लें मैडम उस कंपनी का, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हम कैसे उससे कहें कि तुम यहाँ का स्वर्ण प्राशन ले लो, वहाँ का स्वर्ण प्राशन ले लो। तो ये एक हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको जैसे हम बोल तो रहे हैं कि हम स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, स्वर्ण प्राशन का देना चाहिए, बट कैसे, हम कैसे पब्लिक को कैसे बताएं कि नहीं ये इनका ठीक है इनका नहीं ठीक है, और 200 रुपये 300 रुपये में जो स्वर्ण प्राशन मिल रहा है उसको हम कैसे उसकी रिलायबिलिटी समझें। तो मैडम इस पे कुछ बताइए, और मुझे लगता है कि आप लोग जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक स्टैंडर्डाइजेशन इसका करना चाहिए कि कितने अमाउंट में किस तरह से किस तरह की प्रिपरेशंस बनानी है, तभी हम लोगों को सोमाजित के लोगों की एक यूनिकनेस होगी, नहीं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में ऐसा हो गया कि घर घर स्वर्ण प्राशन बनने लग जाएगा कुछ दिन बाद। धन्यवाद डॉक्टर रुचि, बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये हम भी फेस कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि पहले तो हम संस्थान के थ्रू बना के दे रहे थे, और फिर उसके बाद जो है मार्केट में भी बहुत सारी रेंज आती है, हम कहते हैं कि कोई कहीं पे तो 1200-1300 की भी स्वर्ण प्राशन मिल रही है और कहीं पे 200 रुपए की भी मिल रही है। तो ये समस्या आ जाती है कि हम कौन से, तो हमें खुद नहीं पता कि किसमें कितना स्वर्ण है, इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है।
लेकिन अभी हाल ही में, अभी तो क्योंकि कोविड का ये पेंडेमिक आ गया, हाल ही में मतलब 2019 दिसंबर में जो है जोधपुर में हमारे वीसी साहब ने एक वर्कशॉप किया था और उसमें काफी कुछ स्टैंडर्डाइज हो चुका है, लेकिन वो पब्लिकेशन में आ जाएगी, शायद कुछ दिनों में आ सकती है। और उसमें स्टैंडर्ड अब काफी विद्वान जो है, देश भर के विद्वान जो बाल रोग के विशेषज्ञ थे वो सभी वहां पे उपस्थित थे, जो जो फार्मास्यूटिकल के रसशास्त्र के विद्वान थे वो भी थे कि कहाँ पे क्या समस्या आ सकती है। तो उस वो अभी किस स्टेज पे है, हालांकि फाइनल ही हो गई थी, पीपी व्यास सर ज्यादा अच्छा बताएंगे, तो वो स्टैंडर्डाइज तो हो चुकी है, बट मार्केट प्रिपरेशन की बात अगर हम कहें तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन से मार्केट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी है, जिसको कि हमने खुद नहीं देखा है और उस पे जो है कितना परसेंट क्या है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सामने जो आते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उनको कुमार कल्याण रस जो है, कुमार कल्याण रस भी कहते हैं कि जब तक अगर आपके पास, अगर हम यहाँ से नहीं, अगर मार्केट में कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो आगे आए, ये हम सभी को बोलते हैं कि आगे आए और इसको बनाए, क्योंकि आज की नीड है स्वर्ण प्राशन और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। हम तो मतलब अच्छी मेडिसिन है ये दे सकते हैं, और बाकी हम विवेक जी को भी जो है वो निवेदन करेंगे कि आप भी इस पे विचार कीजिए, और हम लोगों की जो समस्याएं हैं, हम लोगों की क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट में हम लोग कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, अपने देश के बच्चों को बचाने के लिए, जब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, तो हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है, तो हम उसको देश के बच्चों के और देश के भविष्य को बचाने में हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हमें आगे आना होगा। डॉक्टर रुचि, आपकी क्वेरी हो गई पूरी? एक विशाल गर्ग ने भी हैंड रेज किया, एक डॉक्टर जनार्दन पांडे जी ने भी किया हुआ है, इसके दो के बाद में बंद क्लोज करेंगे। विशाल जी नमस्कार। सर मैं जानना चाह रहा था, जयपुर में स्वर्ण प्राशन ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में होता है या? जी जी होता है, स्वर्ण प्राशन होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस अभी थोड़ा सा जो कोविड पेंडेमिक बीच में आया तो बीच में ब्रेक हो गया, फिर से स्टार्ट करेंगे जैसे जो है जैसी स्थिति है कोविड की उस को देखते हुए जो है फिर से स्टार्ट करेंगे, और काफी सितंबर 2016 से हम लगातार स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं और अभी भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर जनार्दन पांडे जी हमारे साथ हैं केरल से, आपने पहले पहले वेबिनार में आप एक्सपर्ट पैनल में थे, आपका भी हैंड रेज है तो नमस्कार सबको। नमस्कार, मैं एक केरल की परंपरा बताना चाहता था जिसके चलते जो बिल्कुल स्वर्ण प्राशन से मिलती जुलती है। यहाँ एक परंपरा है, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया जाता है, तो जिस दिन विद्यारंभ सरकार स्लेट पेंसिल से कराया जाता है तो मंदिरों में होते हैं ज्यादातर यहाँ के काम, तो वो मंदिर में एक पत्थर रखा रहता है, उस पत्थर पर गाय के घी दो बूंद डालकर उसमें अपनी अंगूठी रगड़ देते हैं, वो सोने की अंगूठी होती है, रगड़ देते हैं, और उसके बाद रुद्राक्ष का जो एक पीस है उसको भी थोड़ा सा रगड़ देते हैं, और उसको बच्चों के जीभ पर रखने के बाद ही विद्यारंभ संस्कार का शुरुआत जो है वो मंदिर का पुजारी करता है। ये एक परंपरा यहाँ नॉर्मल है, और इसका संबंध शायद स्वर्ण प्राशन से हो सकता है, तो पीडियाट्रिशियन लोग ज्यादा बेटर बताएंगे, हमको ये जानकारी है और देखता भी हूं मैं, तो हमने सोचा कि ये बताना उचित रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी देखिए अपने साथ कैसे कैसे सभी एक्सपर्ट जुड़े हैं, तो बहुत सारी बातें हमने सबने ध्यान में आई है, और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं भारत में, तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव आना नहीं चाहिए, जैसा अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग जुटे इस काम में। वो मैडम ने कहा है हम स्वर्ण प्राशन हमारी प्रोसेस में ही है, हम बना चुके हैं, मैडम की गाइडलाइंस में भी कुछ काम किया है, और एक वो डॉक्टर साहब ने कहा ना
नागर बाल चतुर्भद्र उसका भी एक चटनी हमने बनाया है, कुछ दिन में ही आ जाएगा वो। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में जुड़े, इसको हम आगे आप सबके सहयोग से कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ एक दो क्वेरी है जिन लोगों के बाद में आता है कि भाई हमको सर्टिफिकेट चाहिए, तो फीडबैक फॉर्म भरने की बात रहती है, तो फीडबैक फॉर्म जो नहीं भर पाते वो अगर किसी को तकलीफ है तो मेरे को बाद में मैसेज कर देंगे तो उनकी व्यवस्था करेंगे। एक प्रीति गर्ग, उन्होंने हैंड रेज किया है, मेरे हिसाब से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद इसको बंद करें। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम डेली का किसी को स्वर्ण प्राशन कराते हैं बच्चे को, और एक हम किसी नक्षत्र में कराते हैं, तो मैम डोज में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? मतलब एक तो हम डेली दे रहे हैं और एक हम पर्टिकुलर टाइम पे दे रहे हैं, तो मतलब डोज में कुछ डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम फिक्स करके रखते हैं। पुष्य नक्षत्र वाली बात जो है ना, ये ऐसी कहीं से आई नहीं है कि पुष्य नक्षत्र को ही हम स्वर्ण प्राशन कराएं, शास्त्र में नहीं है। बस ये है कि पुष्य नक्षत्र को के दिन अगर हम कोई भी औषध देते हैं तो उसका मैक्सिमल इफेक्ट होता है, ठीक है? या फिर एक जगह सुश्रुत में जो है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान में एक रेफरेंस है कि पुष्य नक्षत्र के दिन हम शुरुआत करें स्वर्ण का, और जो भी है उस दिन उसका मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। तो अगर हम पुष्य नक्षत्र में औषधि का मैक्सिमम इफेक्ट आता है, तो मुझे नहीं लगता कि पुष्य नक्षत्र के दिन हम जो है वो महीने में एक दिन दे रहे हैं तो उसको जो है उसको डोज को बढ़ाना है। बेटर ये है कि हम उसको डेली दें, है ना? स्वर्ण प्राशन का, अगर आप बालरुक से हैं तो स्वर्ण प्राशन का है कि मासात परम मेधावी और षड्विद मासात शुद्ध धरा। तो एक महीने तक अगर हम बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो बच्चा परम मेधावी होता है, और छह मास तक कराते हैं तो बच्चा श्रुतधर होता है, है ना? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्वर्ण प्राशन सिर्फ पुष्य नक्षत्र को ही कराना चाहिए। वो एक प्रैक्टिस इसलिए बनी, जहां तक मेरी समझ है, कि लोगों में अवेयरनेस के लिए उन्होंने मास अवेयरनेस जो हम करते हैं कि भाई स्वर्ण प्राशन कोई चीज है। यस मैम, अपना प्रचार करने के लिए जो है एक दिन हमने चुना, क्योंकि हम डेली हर किसी को फ्री में जो है हम फ्री में स्वर्ण प्राशन नहीं करा सकते ना, हम हर पेशेंट को दे सकते हैं। तो हालांकि पुष्य नक्षत्र के दिन भी जो औषधियां दी गई, स्वर्ण प्राशन कराया गया, उसके भी इफेक्ट देखने में मिले हैं, और बहुत अच्छे इफेक्ट, मिराकुलस इफेक्ट देखने को मिले हैं, कि अगर हमने महीने में सिर्फ पुष्य नक्षत्र को ही दिया तो उसका मैक्सिमल इफेक्ट आया भी है। बट वो हम उसको बूस्टर मान सकते हैं, हम डेली दे रहे हैं और हम पुष्य नक्षत्र के दिन हम एक बूस्टर डोज दे रहे हैं, तो वो उस तरह से मान सकते हैं उसको। जैसे हम पल्स पोलियो देते हैं, तो पल्स पोलियो जो है वो हम उस दिन सबको कराते हैं, मतलब उसको जो है साल में दो बार जो है हम पल्स पोलियो कैंपेन करके और कराते हैं, उस तरह से हम इसको मान सकते हैं, ठीक है? बूस्टर, यस मैम। मैम एक चीज, मतलब ऐसे मान सकते हैं, बट उसका हम जो अपनी समझ से कह लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं इंडिकेशन नहीं। अगर हम दे सकते हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको डेली दें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन मासात परम मेधावी और षड्वीर मासात श्रुत धरा, अगर है कि एक महीने तक देना, हाँ अति औषध किसी को भी नहीं देनी कि हम 6 साल 10 साल 12 साल खिलाते ही जा रहे हैं, तो औषध तो ज्यादा देनी भी नहीं है कि हम प्रतिदिन जो है उसको कई साल तक खिलाएं, एक उसकी भी एक लिमिटेशन है। यस मैम जी। ओके मैम, एक चीज और मुझे पूछना है कि मतलब जैसे हमने स्वर्ण प्राशन कराया, तो मतलब हम कैसे, मतलब बच्चों का कोई टेस्ट कराए, मतलब कि लीवर प्रॉपर, सबका लीवर तो एक जैसा काम नहीं कर सकता बच्चों का, तो लीवर का मतलब कैसे वो प्रॉपर एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए मतलब कितना डोज वैसे देंगे? हर एक बच्चे का तो मैम लीवर फंक्शन अलग अलग होगा ना, तो हमने एक डोज तो चलो डिसाइड कर लिया कि एक ड्रॉप पर ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप पर केजी के हिसाब से हर बच्चे को दे देंगे, बट हर किसी का लीवर सेम फंक्शन कर रहा है, मैम उसके लिए कुछ सोचेंगे क्या हम ऐसा? बिल्कुल, आप बालरोग से हैं मतलब? नो मैम, मैं गायनी से हूँ, एनआईए में गायनी से हूँ मैम। ठीक है, तो अगर आप चिकित्सक हैं तो थोड़ा सा ना जो लेहन के अयोग्य की बात की है ना, मैम लेहन के योग्य और अयोग्य, तो अगर आप अपने अपने बच्चे का या फिर जैसे भी है अयोग की बात है कि जहाँ पे ऊर्ध्व चतुर्गत रोग है या कफ की अधिकता है या मंदाग्नि है, तो
तो इन केसेस में हम लेहन नहीं कराएंगे। हालांकि लेहन के लिए तो ये भी लिखा है कि प्रतिदिन भी नहीं कराना चाहिए और जो है मतलब प्रतिदिन भी लेहन नहीं कराना है, लेकिन वो लेहन के परिप्रेक्ष्य में कहा है, स्वर्ण प्राशन के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा है। और हम बहुत कम मिनिमल डोज में हम देते हैं और उसमें घृत और मधु है जो कि साथ में है, उसमें कोई जो है वो दे सकते हैं। और स्वर्ण प्राशन भी, स्वर्ण भी जो है अपनी API के अनुसार स्वर्ण भस्म जो है वो 15 mg टू 62.5 mg तक, दैट इज द रेंज, कि इस रेंज में इट इज सेफ, है ना। अगर आपको लगता है कि उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी सही नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम स्वर्णप्राशन एज ए चिकित्सक हम किसी को कराने जाएंगे तो उसका हम हिस्ट्री तो लेंगे बच्चे की, है ना। तो हम हिस्ट्री से अगर हमें लगता है कि ये बच्चा जो है नहीं दे सकता तो उसको हम नहीं देंगे, है ना। या उसका कोई टेस्ट करा के, कोई टेस्ट क्या, हम सारा जो है CBC LFT RFT हम एक बार करा लेंगे, करा के हम दे सकते हैं। बट अगर हम चिकित्सक हैं तो हम पहले तो उस बच्चे का जो है हिस्ट्री लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेजर इलनेस तो नहीं है, कोई भी जो भी कोई बीमारी है, तो उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसे स्वर्ण प्राशन देना है कि नहीं देना। बाकी इतनी सारी स्टडीज हो चुकी हैं और API की भी अपनी रेंज है कि API ने कहा है कि API के अकॉर्डिंग जो है, जैसे रस रत्न समुच्चय में 250 mg तक देने का कहा है स्वर्ण भस्म, और रस्तरंगिणी में 15 mg से शुरू किया है ना, 15 to 30 mg। तो हमारा API ने जो रेंज डिसाइड की है उन्होंने स्टडी करके, तो दैट इज 15 mg टू 62.5 mg, इट इज सेफ इन एडल्ट डोज बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो उसी हिसाब से हम रेंज निकालते हैं कि इतने से इतने mg तक जो है एक साल के बच्चे में, फिर उसके हिसाब से दो साल के बच्चे में क्या रेंज है, उसके अकॉर्डिंग ही डोज फिक्स करते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है सभी का, मैं इस जो लोग जुड़े ना इनमें बहुत सारे